हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं 6 लेन तो कहीं 8 लेन की बन रही है यह सड़क। NHAI ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर भू अर्जन की प्रक्रिया के लिए किया है अनुरोध। जल्द शुरू होगा सीमांकन। यह सड़क आबादी से बिल्कुल हटकर तैयार होगी। ग्रीन फील्ड होकर गुजरने वाली सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूर्ण होने का निर्धारित समय 2025 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाने वाली सुपर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 416 किलोमीटर होगी। यह सड़क कहीं 6 लेन तो कहीं 8 लेन की होगी। सुपर एक्सप्रेसवे बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार के गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले से होकर गुजरेगी। परिवहन मंत्रालय भारत सरकार इस एक्सप्रेसवे को प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की मॉनिटरिंग कर रही है। जल्द ही इसके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। NH27 व NH327 की ई के अलावा एक और सड़क का मिलेगा तोहफा। इस वे पर जरूरत पड़ने पर फाइटर प्लेन भी हो सकेंगे लैंड। और इस सड़क मार्ग के बनने से दिल्ली तक आसानी से आना और जाना हो सकेगा और भी आसान। सुपर एक्सप्रेसवे पूर्व से बनी किसी भी सड़क से नहीं जुड़ेगी। आबादी से हटकर इस सड़क का निर्माण होगा। जिले के कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज व पोठिया प्रखंड होकर सड़क गुजरेगी। आबादी से दूर रहने के कारण जमीन अधिग्रहण में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नया सुपर एक्सप्रेसवे निर्माण से गोरखपुर से सिलीगुड़ी की दूरी लगभग 600 किलोमीटर कम हो जाएगी और कुल लंबाई 416 किलोमीटर रह जाएगी। जिले से 4 से 5 घंटे में गोरखपुर पहुंचना आसान हो जाएगा। अभी 12 से 14 घंटे लगते हैं। इस सड़क के माध्यम से लोग सड़क मार्ग से दिल्ली तक आसानी से आ जा सकेंगे। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। गुजरने वाले रास्ते का सीमांकन भी जारी हो रहा है और भूमि का अधिग्रहण का काम भी बहुत जल्दी शुरू होगा। इसके लिए DM को भी पत्र लिखा जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे की लागत करीब 25 से 26 हजार करोड़ रुपए तक आंकी गई है। तो गाइस, इस एक्सप्रेसवे के बनने से बिहार के लोगों का दिल्ली में आना जाना और भी आसान हो जाएगा। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।